Good morning all of you. I am Sambhu sir, your math teacher. Welcome back. Today we are going to discuss exercise 2.3, whose questions question fifth bhi hai. Priya reads 1/3 part of a book in 1 hour, and how much part of the book will be she read in 1/4 hours. तो हम देखिए प्रिया के बारे में उन्होंने बताया है कि प्रिया जो है 1 hour में बुक का 1/3 पार्ट रीड कर लेती है. तो वही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि प्रिया 2 mixed 1/4 hours में कितना बुक का पार्ट जो है वो उसको रीड कर देगी. तो हम देखें यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है एक्चुअल में. तो हम देखें इन 1 hour प्रिया रीड इक्वल्स टू 1/3 पार्ट ऑफ क्लियर मीन्स प्रिया जो है वो 1 hour में 1/3 पार्ट बुक का रीड करती है. तो सिमिलर देखें तो सिंस ये सिंबल होता है सिंस देयरफॉर. तो ये देखें तो इन्होंने बोला है कि इन 1 hour तो देयरफॉर इन 2 mixed 1/4 और 2 mixed 1/4 हैं यस और प्रिया रीड्स 2 mixed 1/4 इंटू 1/3 पार्ट ऑफ. इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 mixed 1/4 इंटू 1/3 पार्ट ऑफ बुक. इसको सॉल्व कर लेते तो 4 2 8 + 1 9 अपॉन 4 × 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक. और देखते हैं तो 3 1 3 3 3 9 मीन 3/4 पार्ट ऑफ बुक. प्रिया रीड्स 3/4 पार्ट ऑफ अ बुक इन 2 mixed 1/4 hours मीन्स प्रिया 2 mixed 1/4 hours में 3/4 पार्ट जो है बुक का रीड करती है. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. नेक्स्ट वी हैव हाँ अ ग्रोसर वाइज 425 एप्पल्स 3/17 ऑफ दीस एप्पल्स आर रोटन. ही सेल्स द गुड एप्पल्स एट द रेट ऑफ 7 × 3/5 ईच. हाउ मच मनी डज ही गेट. अ ग्रोसर एक ग्रोसर है जो टोटल कितना एप्पल्स खरीदते हैं 425 एप्पल्स खरीदते हैं और उसमें बोल दिया है कि 3/17 ऑफ टोटल ये जो है ये रोटन है मींस ये तो खराब है कुछ भी है मींस ये बेकार है. इतना पार्ट तो जो है वो यूजेबल है नहीं. तो जो रिमेनिंग बच रहा है जो बचे हुए हैं वो जैसी बोला जा सकता है कि जो लैप हुए हुए हैं तो उनको बेच रहा है एट द रेट ऑफ 7 mixed 3/5. भैया आपसे बोला है कि आपके पास 100 है और 100 में से आपके 20 तो बेकार हैं तो आपके बचे हुए कितना है 80 और आपको बोला जाता है कि ये 2 rupees के हिसाब से आप बैंड मीन्स 2 rupees एक का एक जो है एप्पल है वो 2 rupees का है. तो टोटल कॉस्ट ऑफ 80 एप्पल्स इक्वल्स टू क्या होगा 2 × 80 मीन्स आपने क्या किया 100 था उसमें से ये 20 को क्या करना है यहाँ पर सबट्रैक्ट करना है और देन में लास्ट में उसे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है. तो देखते हैं फर्स्ट अ ग्रोसर वाइज मीन्स वी हैव टोटल एप्पल्स. क्वेश्चन नंबर 6 टोटल एप्पल्स व्हाट 425. नेक्स्ट देखिए आप देखते हैं उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ एप्पल्स रिटर्न. तो देखिए नंबर ऑफ एप्पल्स रिटर्न 3/17 ऑफ टोटल. तो 3/17 जो है
और तो टोटल कितना है 425। तो देखते हैं सॉल्व करते हैं इसको। 73 सेवनटीन बन गया 17, 17 टू जा 34, रिमेनिंग रहेगा आपका 8, 17 फाइव जा 85। क्लियर? नहीं, 17 फाइव जा कितना होता है 85 हुआ। तो आपका ये आएगा 3 × 25, मीन्स 3 × 25 इक्वल्स टू क्या होगा, 3 × 25 इक्वल्स टू 75। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मीन्स जो ये बेकार है इनको हटा देंगे तो नंबर आप एप्पल्स लेफ्ट, मीन्स टोटल आपका 425 था, माइनस 75 करें तो ये देखिए 5 − 5 0, 12 − 7 वी गेट 5 और ये आपका रहेगा 350। क्लियर? दैट वन लास्ट क्वेश्चन भी है, हाउ मच मनी डज ही गेट। चलिए, हाउ मच मनी डज ही गेट मीन्स मनी गॉट बाय मनी गॉट बाय सेलिंग गुड एप्पल्स एट द रेट रेट ऑफ व्हाट द रेट हेयर रेट ऑफ 7 × 3/5 मीन्स एट द रेट ऑफ 7 × 3/5। तो गुड एप्पल्स भी आप 3 × 50 मीन्स इसको सॉल्व करते हैं 75 का सॉरी रुपी आएगा, इतना क्लियर है? तो 57 जा 35 इंटू 57 जा 35 प्लस 338/5 इंटू 350 सॉल्व कर लें, 5 बन जा 5, 57 जा 35, देन वन जीरो से हम आइटे 7 एट जा 56 कैरी ओवर 5, दैट वन 73 जा 21 प्लस 5 26 मीन्स टोटल मनी got by selling good apples at the rate of 7 × 3/5 equals to 2,660 means जो total पैसा उन्हें मिलेगा उसको कितना मिलने वाला है 2,660। clear? thank you all of you।